आपके इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे, जैसे कि वेलकम ईमेल, यू नो ट्रांजेक्शनल ईमेल, कोई आप परचेस करते हो तो ट्रांजेक्शनल ईमेल्स आते, बिल्स वगैरह आते, कब सीप हो गया, कब प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ये ट्रांजेक्शनल ईमेल ही आते, न्यूज़लेटर्स आते हैं आपके पास, आपके पास पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भी आते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, आपके बर्थडे पे या फिर आपके कोई स्पेशल डेज पे तो ये पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आते हैं, आपके नाम के ऊपर भी आपका ईमेल आता है, आप लीड जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे आपका वाइट पेपर के साथ ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल्स बहुत सारे आपके इनबॉक्स में आते होंगे। ईमेल मार्केटिंग आज के डेट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस स्मॉल है, आप एक सोलोप्रीनियर हो या फिर आप स्टार्टअप कंपनी हो, आप मीडियम बिजनेस हो, आप जिस टाइप का बिजनेस हो, कोई भी ब्रांड चला रहे हो, कोई भी टाइप का बिजनेस मॉडल हो आपका, B2B, B2C, B2B2C, तो आपको करना चाहिए ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि आधी दुनिया ईमेल्स यूज करती है, कोई हर आधी दुनिया जैसे कि 4 बिलियन पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली वो ईमेल्स यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको आपके बिजनेस में ईमेल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और ये क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला चीज है बिल्ड बेटर कन्वर्सेशन With your potential client, आपके potential client के साथ better conversation build करता है। Conversation मतलब ये एक होता है बातचीत, connections वो build करता है, अच्छा engagement build करता है emails के through। जब भी आपको brands की emails आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे creative emails आते हैं, तो आपको उसको read करने में मजा आता है। तो बहुत सारे आज के date पर देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो customer click जिसको रीड करते हैं वो ईमेल्स को सबसे ज्यादा रीड करते हैं। फेसबुक से भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैंपेन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इट्स चीप एंड अफोर्डेबल। सर इट्स चीप, ये ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कम पैसे में हो जाएगा, इट्स चीप एंड अफोर्डेबल। अगर आपका बिजनेस स्मॉल एंड स्टार्टअप है तो आप ईमेल मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है इजी टू मेज्योर। मेज्योर मतलब आप इसका जो कैंपेन का सक्सेस जो है उस आप अच्छे से मेज्योर कर सकते हो, इसका बहुत अच्छे से उसका कितने लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों ने देखा, ये सब कुछ आप मेज्योर कर सकते हो, इजी टू मेज्योर है। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करता है। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपना ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट है लीड जनरेशन एंड हायर कन्वर्जन। ओके, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन मतलब आप ईमेल्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, उनको व्हाइट पे ईमेल्स में व्हाइट पेपर देके या फिर ईमेल्स में कुछ ऐसा देके जहां पे कस्टमर कुछ शेयर करेगा, तो इसके थ्रू उनका लीड जनरेट कर सकते हो, एडिशनल डिटेल्स ले सकते हो कस्टमर से ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सको। नेक्स्ट है हायर ROI, यहां से ROI जो मतलब हायर कन्वर्जन रेट है, यहां पे जो कन्वर्ट होता है ईमेल के थ्रू सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है। B2B बिजनेस के लिए मोस्टली ईमेल्स यूज किए जाते हैं ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा उनको कन्वर्जन मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आप क्या कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड कंटेंट शेयर कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। पर्सनलाइज्ड कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपके कस्टमर का बर्थडे है, आप कोई स्पेशल डे है, या फिर आप कस्टमर को आप उनके नाम से ईमेल भेज सकते हो। सपोज मानकर चलते मेरा नाम देव है, तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स की ईमेल आता है, हाय मिस्टर देव, गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू से दिस थिंग, सो ऐसा करके मेल आता है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ क्योंकि ये मेरे नाम पे आया है, ठीक है ना। तो ये पर्सनलाइज्ड ईमेल है, ये बहुत काम का चीज है, इसमें बाहर जाके पड़ेगा ही पड़ेगा, यहाँ पे जो रीडिंग का चांस है, ईमेल जो खोल के रीड करने का चांस सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एवरीवन इज यूजिंग ईमेल। जो नेक्स्ट रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि एवरीवन इज यूजिंग ईमेल, ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा ब्रॉड ऑडियंस बेस मिलता है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो आप के डेट पे आप अगर ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे तो आपको आज के बिजनेस पे आपको ईमेल मार्केटिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना बिजनेस में सबसे ज्यादा कन्वर्जन ला सको। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा किस तरह से आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको चाहिए मार्केटिंग कंसल्टेंसी, अगर आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, देन कॉल कर लीजिए नीचे नंबर पर, क्योंकि हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा नाम है सेलोपडिया। नमस्कार।